वाराणसी से सपा बसपा की ओर से प्रत्याशी शालिनी यादव ने सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क किया और इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने साथ मिलकर शालिनी यादव के साथ लोगों से जनसंपर्क और बातचीत की, उनके पक्ष में मतदान की गुजारिश की, गांव में गठबंधन को वोट के समर्थन में जनसंपर्क किया। नामांकन रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में तेज बहादुर यादव को मैदान में उतार दिया है। तेज बहादुर यादव समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव के लिए प्रचार करने में जी जान लगाते हुए नजर आए हैं। साथ ही तेज बहादुर सिंह जनता की तोह लेने के प्रयास में भी हैं। तेज बहादुर यादव का कहना है कि जनता देश में बदलाव लाना चाहती है, बनारस में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तेज बहादुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया, मगर इसके बावजूद भी उनकी सरकार ने यहाँ की दिक्कतों को पूरा नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शालिनी यादव ने कहा कि सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। साथ ही शालिनी ने यह भी कहा कि आने वाली 19 मई को विरोधियों को पता चल जाएगा कि गठबंधन ही केंद्र में सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।